तो आज हम संक्षिप्त एक विषय लेंगे जो अभी आप लोग का जो नेक्टेरियन ओशन ऑफ होली नेम में जो कॉन्सेप्ट चल रहा है उस कॉन्सेप्ट को मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। चित वैभव क्या है, अचित वैभव क्या है ना। तो भगवान की मूलतः तीन प्रकार की शक्तियाँ होती है। कितने प्रकार की शक्तियाँ? तीन। एक होती है भगवान की अंतरंगा शक्ति, एक होती है भगवान की बहिरंगा शक्ति, और एक होती है जीव शक्ति। कौन कौन सी शक्तियाँ हो गई? अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और जीव शक्ति। नहीं थोड़ा पकड़ लो, ऐसे बहुत दर्द दे रहा है क्या पकड़ने में? बस ऐसे उसको हिलाने उलाने में चला जाएगा। तो अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति और जीव शक्ति, ठीक है। तो हम लोग कौन है? जीव शक्ति है ना। जीव शक्ति को तटस्थ शक्ति भी कहते हैं। अंतरंग मतलब अंदर की शक्ति, बहिरंग मतलब बाहर की शक्ति। तो बचा क्या? मार्जिनल। उसका उसका इंग्लिश वर्ड है मार्जिनल पोटेंसी। तो जीव आता है मार्जिनल शक्ति, तटस्थ कहते हैं, तट पर है, ठीक है। तो जब तट पर होता है कोई, तो कभी कभी वो अंतरंग के घेरे में आ जाता है, कभी कभी बहिरंग के घेरे में आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप तट पे खड़े, समुद्र तट पे खड़े हैं, तो कभी आप पानी के अंदर आ जाएंगे, कभी आप सूखे में आ जाएंगे, क्योंकि लहरें चलती रहती है। तो कभी पानी आपको ले लेगा, कभी सूख पानी जब चला जाएगा तो सूखे में रह जाएंगे। तो उसी प्रकार से जीवात्मा कभी कभी बहिरंग शक्ति के प्रभाव में होती है, कभी कभी अंतरंग शक्ति के प्रभाव में होती है। तो जब अंतरंग शक्ति क्या है और बहिरंग शक्ति क्या है, इसको अगर सरल शब्दों में समझना हो तो कैसे समझेंगे? तो अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, हाँ ये ठीक रहेगा। अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति, इनको सरलता से अगर समझना है तो ये समझिए, जीवात्मा को जो भगवान, जो शक्ति जीवात्मा को भगवान के उन्मुख करती है, भगवान की तरफ मुड़ती है, वो है अंतरंग शक्ति। और जो शक्ति जीव को भगवान के बहिर्मुख करती है, मतलब भगवान से विमुख करती है, वो कहलाती है बहिरंग शक्ति। समझना कठिन है? वो शक्ति जो जीव को भगवान के और लेके जाती है वो कहलाती है अंतरंग शक्ति। छोटा केशव कहाँ है? ओ अच्छा, क्या एग्ज़ाम है आज? अच्छा, तो जो शक्ति भगवान की ओर लेकर के जाए वो कहलाती है अंतरंग शक्ति, और जो शक्ति भगवान से दूर लेकर के जाए वो होती है बहिरंग शक्ति। तो अब प्रश्न उठता है कि भाई दोनों ही शक्ति भगवान की है, चाहे अंतरंग हो चाहे बहिरंग हो। तो प्रश्न उठता है जो बहिरंग शक्ति होती है भगवान से दूर क्यों लेके जाती है? भगवान की एक ऐसी शक्ति जो भगवान से दूर लेकर के जाती है, इसको कैसे समझेंगे? तो बहुत सरल है। जैसे एग्जामिनर जो होता है वो क्या कर, जैसे क्लास में टीचर होती है वो क्या करती है, वो साल भर पढ़ाती है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, वो एग्ज़ाम देती है और एग्ज़ाम में कठिन क्वेश्चन बनाती है। अच्छा, क्या वो कठिन क्वेश्चन हमको फेल करने के लिए होता है? वो कठिन क्वेश्चन होता है हमारे हमारे नॉलेज के लेवल को जानने के लिए, है ना, हमने कितनी तैयारी करी है उसको जानने के लिए। तो उसी प्रकार से जो बहिरंग शक्ति होती है, जिसको माया देवी कहते हैं, जिसको दुर्गा देवी भी कहते हैं, तो वो क्या करती हैं, वो जीव को एक ऐसी परिस्थिति में डालती है ये चेक करने के लिए कि क्या इस परिस्थिति में भगवान को याद रखता है या भगवान को भूल जाता है। तो उनका उद्देश्य भगवान को भुलाना नहीं है, उनका उद्देश्य है हमारी कितनी तैयारी है ये चेक करना। जैसे मान लीजिए दुर्गा देवी के अलग अलग तरह से, दुर्गा देवी की कृपा हो जाएगी तो किसी व्यक्ति को बहुत अधिक धन प्राप्त हो जाएगा। तो अधिक धन होने पर स्वभावतः अधिकतर लोग क्या होते हैं, भगवान को भूल जाते हैं और उस धन को भोग में लग जाते हैं। तो उस केस में क्या हुआ, दुर्गा जी ने एक धन का एग्ज़ाम लिया और हम उसमें फेल हो गए। या कभी कभी कोई बहुत ऊंची पदवी दिलवा देती है दुर्गा देवी, माया देवी, और उसको उस ऊंची पदवी को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। या कोई अच्छी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, उसके चक्कर में भगवान को भूल जाता है ना। या अच्छा शरीर मिल जाता है जिसके जिसके गुमान में व्यक्ति भगवान को भूल जाता है। तो ये सब माया देवी के द्वारा दिए गए क्या हैं, ऑब्स्टिकल्स हैं या एग्ज़ाम्स हैं, जिससे पता चलता है कि जीवात्मा कितनी तैयारी है उसकी। अच्छा, लेकिन कोई कभी कभी ऐसे भी भक्त होते हैं जिनके अधिक बहुत अधिक धन है लेकिन वो भगवान को नहीं भूले, इसका अर्थ क्या है? वो माया के एग्ज़ाम में पास हो गए।
ऐसे भी भक्त हैं जिनके पास बहुत अच्छा सुंदर शरीर है लेकिन वो भगवान को नहीं भूले, इसका अर्थ क्या है? वो माया देवी के एग्जाम में पास हो गए। ऐसे भक्त हैं जो पूरे विश्व के राजा हुआ करते थे लेकिन उनका उनकी मति हमेशा भगवान में लगी रहती थी, जैसे अम्बरीश महाराज, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, भरत महाराज, ऋषभ देव, पूरे दुनिया के राजा थे लेकिन उनकी मति भगवान में लगी रही थी, इसका मतलब ये एग्जाम में पास हो गए। तो माया देवी इस तरह की सिचुएशन में जीव को डालती है केवल चेक करने के लिए, समझ आ रहा है? दूसरा उदाहरण देते हैं। अच्छा, जब जीव को इस तरह की सिचुएशन में डालती है भगवान को चेक करने के लिए, मतलब भक्त को चेक करने के लिए कि वो व्यक्ति कितना भगवान के प्रति उन्मुख है, तो क्या करती है कभी कभी? अब वो देखती है कि मैंने इसको धन दे दिया और मैंने इसको पदवी दे दी, इसको बहुत बड़ा भौतिक ज्ञान का भंडार दे दिया, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री दे दी, और अब ये भगवान को भूल गया, तो अब उसको याद कैसे दिलाएं? भाई टीचर का काम ये नहीं कि एग्ज़ाम से फेल कर दिया काम ख़त्म। टीचर सोचती है कि भाई मैंने एग्ज़ाम लिया, कठिन क्वेश्चन डाला, ये पास नहीं कर पाया, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा? अब क्या करना पड़ेगा? इसकी फिर से क्लास लगानी पड़ेगी, इसको फिर से री एग्ज़ाम दिलवाना पड़ेगा, फिर से तैयारी करवानी पड़ेगी। टीचर का उद्देश्य समहाउ ये एग्ज़ाम पास करे, ना कि समहाउ ये फेल हो जाए। टीचर का उद्देश्य क्या है? कि समहाउ ये व्यक्ति एग्ज़ाम पास करे। तो उसी प्रकार से माया देवी यद्यपि जीवात्मा को विभिन्न प्रकार के इल्यूजन्स में रखती है उसकी निष्ठा को जांचने के लिए, लेकिन अब देखा कि मैंने धन दे दिया, संपत्ति दे दी, मान सम्मान दे दिया, रूप यौवन दे दिया, भौतिक विद्या दे दी, और ये सब प्राप्त करने के बाद ये जो जीव है ये भगवान को भूल गया, तो अब याद कैसे आएगा? तो फिर वो माया देवी व्यवस्था करती है याद कराने की। कैसे करती है? माया देवी पिटाई करती है। क्या करती है माया देवी? पिटाई करती है। जब पिटाई पड़ती है माया देवी की तो क्या होता है? फिर जी को क्या होता है? धीरे से भगवान याद आते हैं। जैसे ट्यूशन टीचर पिटाई करती है बच्चे की, और जैसे ट्यूशन टीचर पिटाई करती है उसको पापा याद आते हैं। अच्छा, ट्यूशन टीचर के पास किसने भेजा? पापा ने भेजा। ट्यूशन टीचर के पास बच्चे को पापा ने भेजा, और जब ट्यूशन टीचर पिटाई करती है बच्चे को कौन याद आते हैं? पापा याद आते हैं। ये मैकेनिज्म है। जीवात्मा को भगवान माया देवी के माध्यम से टेस्ट करते हैं। भगवान ने बोल रखा है माया देवी को, दुर्गा देवी को, इसका टेस्ट लो, और जब टेस्ट में फेल हो जाता है तो फिर वही जीव माया देवी से बचने के लिए भगवान के पास जाता है। भेजा भगवान नहीं था, लेकिन प्रक्रिया इस तरह की है। भेजा पिताजी नहीं था, लेकिन जब टीचर पिटाई करती है, कान खींचती है, चाटा मारती है, तो उसको पापा याद आते हैं। उद्देश्य क्या था? पापा को याद आना। ये मैकेनिज्म काम करता है। तो माया देवी पिटाई करती है जीव की, कि कोई कितना भी धनी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी गुणी व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी भौतिक ज्ञान से समृद्ध व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन माया देवी उसको टेस्ट करेगी, उसकी पिटाई करेगी। पिटाई कैसे करती है? तो माया देवी के हाथ में त्रिशूल होता है। त्रिशूल देखा है? दुर्गा देवी के हाथ में क्या होता है? त्रिशूल। तीन शूल होते हैं उसमें। एक शूल होता है आधी दैविक, एक होता है आधी भौतिक, एक होता है आधी आत्मिक आपदा, क्लेश, ताप। ये शब्द सुने हैं केशव जी? आधी दैविक क्लेश, ये कौन से क्लेश होते हैं? दैविक क्लेश। सौमित्र थेड रूम डिवाइस में भूल गए। आधी दैविक, प्रशांत जी सुना है शब्द? क्या होता है आधी दैविक? मानस याद है? भूल गए। हाँ, अर्थक्वेक, सुनामी, दैविक आपदाएं है ना, कोविड, आदि दैविक। कोविड तो सब में आ गया, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक सब हो गया। दैविक मतलब दैविक आपदा, जैसे सुनामी आना, साइक्लोन आना, भूकंप आना, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, बादल फट जाता है, पहाड़ गिर जाते हैं, लैंडस्लाइड हो जाती है, टोर्नेडो आ जाता है, स्नो बॉल आती है, यहाँ नहीं आती है, हिमालय में आती है। तो ये सब क्या है? दैविक आपदाएं। तो दुर्गा देवी के त्रिशूल का एक शूल क्या है? आदि दैविक क्लेश, जो क्लेश हमें प्रकृति से मिलता है, जिसे कहते हैं आदि दैविक। दूसरा शूल है
आदि भौतिक, जो क्लेश हमें दूसरे जीवों से मिलता है। टेररिस्ट अटैक हो गया, आपका बॉस अच्छा नहीं है, वो आपको तंग करता है, ये कौन सा क्लेश है? आदि भौतिक, है ना? गर्लफ्रेंड हर दिन रूठ जाती है, उसको मनाना पड़ता है, बहुत कष्ट करती है, बहुत खर्चा कराती है, ये कौन सा क्लेश है? ये कौन सा क्लेश है? दूसरे जीव से जो क्लेश मिलता है, ये जो क्लेश हमको व्लादिमीर पुतिन उसका परिवार दे रहा है, आदि भौतिक, समझ रहे ना? बिना मतलब क्लेश, आदि भौतिक। जो ये क्लेश था, पता है मुझे भगवान याद आते हैं उसका फोन आने से भगवान याद आते हैं मुझे तो आदि भौतिक क्लेश, तो जो दूसरे जीवों से हमको क्लेश मिलता है, मच्छर से क्लेश मिलता है, बैठे बैठे मच्छर काटते रहते हैं, तो ये दुर्गा देवी का दूसरा शूल है। और तीसरा शूल क्या है? आदि आत्मिक, अपने मन और अपने शरीर से जो कष्ट मिलता है, जो कहते हैं आदि आत्मिक क्लेश। मन से क्लेश मिलता है, एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंसोमिया, नींद नहीं आती है, करवटे बदलते रहे समझ रहे हैं? ये सब क्या है? क्लेश मिलता है ना, ये कौन सा क्लेश है? आदि आत्मिक क्लेश, अपने मन से। जैसे मान लीजिए दूसरा व्यक्ति सफल हो गया, दूसरे का यशो निकल गया, उससे सीट खरीद ली थी, आप नहीं खरीद पाए, पिताजी ने पैसे नहीं दिए, आपको क्लेश होगा, जेलसी होगी, आग जलेगा हृदय में, आग जलेगी, तो उसने कुछ नहीं किया आपके लिए, वो आप ही के मन के द्वारा सृष्ट क्लेश है, सोते आदि आत्मिक क्लेश। और पेट खराब हो गया, लूज मोशन हो गया, कॉन्स्टिपेशन हो गया, है ना, विभिन्न प्रकार की जो खांसी, जुकाम, सर्दी, पीठ में दर्द, सिर में दर्द, गैस होना इत्यादि, अपने शरीर से जो कष्ट मिलता है जीवात्मा को, वो होता है बलराम पीछे देख रहा है ये होता है आदि आत्मिक क्लेश। तो कितने प्रकार के क्लेश हो गए? तीन प्रकार के, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक। ये है दुर्गा देवी का त्रिशूल। तो कॉन्स्टेंटली दुर्गा देवी इस त्रिशूल से, अब आप देखिए किसी समय में आप, कोई भी समय नहीं होगा हम इनमें से किसी एक से ग्रस्त नहीं हो, अब देख लीजिए कोई ऐसा समय नहीं होगा कभी, या तो आदि भौतिक, या तो आदि आत्मिक, या तो आदि दैविक। बेचारा एग्जाम देने के लिए गया और एग्जाम दे करके आया, एग्जाम कैंसिल हो गया, दिल्ली तक गया गर्मी में यात्रा करते हुए, फिर वापस आया, फिर जाना पड़ेगा, कौन सा क्लेश है ये मतलब क्लेश का कोई अंत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमानी से कितने भी आप प्रयास कर लो, कितना भी उसको मिटिगेट करने का प्रयास कर लो, वो क्लेश रहेगा। वो कब तक रहेगा? जब तक जीव, ये क्लेश दुर्गा जी दे रही है, क्यों दे रही है? भगवान को याद कर, हम भगवान से विमुख हो गए हैं, ऐसा लिखा है चतुर चरामृत में, कि कई जैसे एक 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 श्लोक में कौन सा ग्रंथ है वो सुना था ना, झापटिया धरे, क्या है वो, कृष्ण भूलिया जीव भोग वांछा करे, पाछे ते माया झापटिया धरे, ये प्रेम वैवर्त का श्लोक है, उसमें आता है, बोल रहे कृष्ण भूलिया जीव, कृष्ण को भूल के जीव क्या करता है? भोग की आकांक्षा करता है, भोग वांछा करे, और फिर माया देवी क्या आती है, पाछे से माया झापटिया धरे, झपट लेती है। हम जब मैं फ्लोर डेनियल में था, जब गुड़गांव में, तो हमारे क्यूबिकल में वो सेटिंग ऐसे बिठाते हैं, क्यूबिकल्स में वो दो लड़के होंगे, दो लड़कियाँ होंगी, वो सेटिंग इस तरह बिठाई जाती ताकि आपका मन लगा रहे काम में, है ना मेरे पास मदन मोहन जी का फोटो है, ठीक है, तो वो मैं रखता था अपने अपने इसके डेस्क के ऊपर, क्योंकि मुझे ये श्लोक पता था, है ना, कृष्ण भूलिया जी भोग वांछा करे, पाछे ते माया झापटिया धरे कॉन्स्टेंटली कृष्ण चेतना में रहते थे तो झपटने कई बार प्रयास किया, लेकिन जितनी बार प्रयास किया माया ने, कृष्ण बचाओ एक और श्लोक है चेतन चेतामृत का, क्या श्लोक है, अतएव माया तार दे, हाँ हाँ, कृष्ण भूलिया सही जीव, कृष्ण छाड़ी सही जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव तारे माया दे संसार दुख। अनादिकाल से जीवात्मा कृष्ण से विमुख है, इसलिए माया उसको कष्ट देती है।
एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, माया देवी कष्ट क्यों देती है। माया देवी कष्ट इसलिए देती है क्योंकि अनादिकाल से जीव कृष्ण से बहिर्मुख है, विमुख है, उसको उन्मुख कराने के लिए। और जिस दिन उन्मुख हो जाएगा, तापत्रय उन्मूलनम, जड़ से उसके ताप खत्म हो जाएंगे, जड़ से उसके क्लेश खत्म हो जाएंगे। इस ये कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। हम प्रश्न उठता है कि भाई हाउ टू मिटिगेट सफरिंग, ये लोग प्रश्न पूछते हैं, उसके लिए बहुत तरीके अपनाते हैं, पर रूट कॉज क्या है प्रॉब्लम्स की, रूट कॉज क्या है सफरिंग की, कृष्ण से बहिर्मुखता, ये है रूट कॉज सफरिंग की। तो कृष्ण की वजह से जब उन्मुख हो जाएंगे तो सफरिंग खत्म हो जाएगी। हम जो भी प्रयास करते हैं किसके लिए करते हैं, सफरिंग से विमुख होने के लिए, सफरिंग से हटने के लिए। हमको धन चाहिए ताकि हम सफरिंग से बच सकें, हमें पोजीशन चाहिए ताकि सफरिंग से बच सकें। सारा प्रयास हमारा क्या है, कष्ट से बचना चाहते हैं। लेकिन इसका जो फाइनल सॉल्यूशन है वो क्या है, रूट सॉल्यूशन, सफरिंग क्यों है और उसका कारण और उसका समाधान क्या है। सफरिंग का कारण है जीवात्मा कृष्ण के बहिर्मुख है, इसलिए माया देवी अपने त्रिशूल से पोकती रहती है। अच्छा, बुद्धू जीव क्या करता है, बुद्धू जीव क्या सोचता है कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा एक दिन, है ये क्या, ये घर खरीद लूंगा, है ना उत्कर्ष, ये घर खरीद लूंगा। अच्छा, इसका अर्थ क्या है, मैं फाइनल सॉल्यूशन नहीं करूंगा, मैं क्या करूँगा, एक टेम्पररी सॉल्यूशन अपनाऊंगा और मैं जिस दिन इस घर को खरीद लूँगा सुखी हो जाऊँगा, मैं धनी बन के सुखी हो जाऊँगा, मैं पोजीशन प्राप्त करके सुखी हो जाऊँगा, मतलब मैं माया देवी से लड़ लड़ा करके सुखी हो जाऊँगा। इमेजिन करिए, मतलब एक चित्रण करिए अपने मन में, भाई माया देवी शेर के ऊपर सवार है। देखा है कभी कभी कटक में बड़ी बड़ी दुर्गा देवी आती है, शेर के ऊपर सवार है, आठ भुजा है, हाथ में त्रिशूल है और आपके पीछे पड़ी हुई है, और आप एक छोटे से जीव हैं, और आपके छोटे से प्रयास आपकी छोटी सी तलवार की तरह है, वो जजंतरम ममंत्रम के जो होते हैं ना, छोटे छोटे। दुर्गा देवी बड़े से शेर के ऊपर सवार हुई हुई है और अष्टभुजा वाली है और हाथ में बड़ा सा त्रिशूल है, और आप एक छोटे से जजंतरम ममंत्रम वाले जीव हैं, बिल्कुल छोटे से टिंगू से, और आपके जो प्रयास है छोटे से, वो छोटी सी तलवार की तरह आप लड़ रहे हैं दुर्गा देवी से। एक त्रिशूल देगी ना खत्म। लेकिन हम लोग, मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं लड़ लूंगा, मैं संसार, हर व्यक्ति ये दिखाया जाता है, ये जो मोटिवेशनल स्पीकर क्या देगा, लड़ो तुम कुछ, लड़के आगे बढ़ो, कहने का मतलब है कि तुम दुर्गा देवी से लड़ो। संघर्ष करो, जीवन संघर्ष करने की मिला है, मिला है संघर्ष करने के लिए, लेकिन कैसा संघर्ष करने के लिए, ए लड़ने के लिए नहीं, कॉन्सेप्ट हो, तुम मार क्यों रही हो, अरे माँ भवानी तुम्हारे पीछे क्यों पड़ी हुई है, क्योंकि तुम कृष्ण, वो चाहती है कि तुम ऐसे लड़ो मत, तो अनादिकाल से ऐसे लड़ रहे हो उनसे, वो त्रिशूल के साथ में केवल मार नहीं, इशारा भी करी, उधर उधर भाग, उधर भाग, उधर भाग, उधर भाग, वहां जा। अगर आप उनको छोड़ करके उधर से भाग के उधर पहुंच जाओगे और जाके कृष्ण के चरण पकड़ लोगे, वो छोड़ देंगे, चलो यार हो गया। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये भक्त सिद्धांत ठाकुर लिखे हैं ब्रह्म संहिता के जो श्लोक है ना, सृष्टि स्थिति प्रलय साधना शक्ति रे, उसका तात्पर्य भक्त सिद्धांत ठाकुर ये लिखे हैं कि माया देवी का जो कार्य है वो क्या है, वो थैंकलेस टास्क है। वो चाहती है कि जीवात्मा कैसे कृष्ण की शरण में चले जाए, और जब देखती है माया देवी कि ये जीव कृष्ण की शरण में जाने का प्रयास कर रहा है, उसको मदद करती है, हेल्प करती है। सिंसियर स्टूडेंट को टीचर हेल्प करती है कि नहीं करती है, एग्जाम लेती है, कोई बात नहीं, एग्जाम जरूर लेंगी, टेस्ट लेंगी, लेकिन एट द सेम टाइम टेस्ट के साथ साथ समर्थन भी होता है। आप एग्जाम लिख रहे हो, क्वेश्चन में आप थोड़ा सा अटक गए, टीचर ने आपको देखा, अरे याद है अपन ने पढ़ा था ये वाला क्वेश्चन, मैंने पढ़ाया था याद है, आंसर नहीं देंगी लेकिन आपको हिंट दे देंगी। इसका अर्थ क्या है, सिंसियर स्टूडेंट को टीचर हेल्प करती है, और इनसिंसियर स्टूडेंट को जब हैं, इनसिंसियर स्टूडेंट को अगर वो आंसर लिख रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा, मैंने कहा तुम पढ़ा करो, पढ़ते नहीं हो ना, अब निपटो। तो जीवात्मा है मार्जिनल, वो जीवात्मा भाई भगवान से विमुख होने के कारण कष्ट प्राप्त कर रहा है, और उसका फाइनल सॉल्यूशन है कि अगर भगवान की उन्मुख हो जाएगा तो वो माया देवी उसको कष्ट नहीं देंगी।
तो जब जीवात्मा बहिरंग शक्ति के आश्रय में होता है, माया देवी के आश्रय में होता है ना, तो उसको सांसारिक कष्टों का अनुभव करना पड़ता है। और उसकी उसकी उपाधि होती है दुरात्मा। भगवत गीता के दृष्टि से उसको दुरात्मा कहते हैं, दुरात्मा जो बहिरंग शक्ति के आश्रय में। लेकिन जो अंतरंग शक्ति के आश्रय में है उसको क्या कहते हैं? महात्मा। महात्मा नामस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रिता, जो मेरी दैवी प्रकृति के आश्रय में वो महात्मा है, महान आत्मा है, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट समझ गया है। इस तरह भगवत गीता में भगवान ने उसको क्लैरिफाई किया है। तो अब हम क्या चर्चा कर रहे थे कि भगवान की जो अंतरंग शक्ति है इसके भी तीन फीचर्स हैं। क्या क्या है, क्या क्या है प्रभु? संवित, संचित और हलादिनी। संचित और संवित देखिए, संधिनी और हलादिनी, संवित, संधिनी और हलादिनी शक्ति। ये तीन शक्तियाँ हैं, कौन किसकी? अंतरंग शक्ति के तीन विभाग हैं ये, जो नेक्टेरियन ओशन और कोलिनियम में पढ़ रहे हैं अभी। संवित, पहले संधिनी, संवित और हलादिनी। संधिनी पोटेंसी, अच्छा इसको सिंपल शब्दों में आपने शब्द सुना है सत्चिद आनंद, सुना है? सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ता दिहे तवे तापत्रश्च विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमा नमामि ईश्वरम सच्चिदानंद रूपम। ईश्वरा परमा कृष्णा सच्चिद आनंद विग्रह, ये शब्द सुना है सच्चिद आनंद। तो ये सत, चित और आनंद, ये अंतरंगा शक्ति के तीन विभाग हैं, सत, चित और आनंद। सत का अर्थ क्या होता है? इटर्नल, नित्यता। इसको ही संधिनी कहते हैं, मतलब जिस भगवान की शक्ति कारण अस्तित्व में कोई वस्तु रहती है। इस संसार में कोई भी वस्तु है उसका अस्तित्व है, तो किसकी शक्ति से कारण इसका अस्तित्व है? इस संसार में कोई भी वस्तु का अस्तित्व है किसकी शक्ति से? भगवान की शक्ति से। तो अस्तित्व की जो शक्ति है उसको कहते हैं सत, संधिनी। कोई भी चीज अगर वस्तु अस्तित्व में है तो वो शक्ति क्या है? भगवान की शक्ति से अस्तित्व में है। मत्ता परतरं नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजया मई सर्वमिदं प्रोक्तम सूत्रे मणिगवाईवा। ये जो मोतियों की माला है, ये हमें मोती दिख रहे हैं लेकिन धागा नहीं दिख रहा, लेकिन सारे मोती किस पर आश्रित हैं? धागे पर आश्रित हैं। इस तरह के भगवान कह रहे हैं सब कुछ मुझ पर आश्रित है। तो वॉट एवर इज इन एग्जिस्टेंस इट इज डिपेंडेंट अपॉन द स्ट्रेंथ पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड, दैट पोटेंसी इज कॉल्ड सत, ये संधिनी। दूसरी भगवान की शक्ति है जिसको कहते हैं ज्ञान। भाई ये मोबाइल है, इसका अस्तित्व है, पर आपको कैसे पता ये मोबाइल है? आपको कैसे पता ये मोबाइल है, ये हाइलाइटर है, ये पेन है, ये माइक है? इनका अस्तित्व है। तो अस्तित्व का बोध कौन कराता है? ज्ञान शक्ति, उसको कहते हैं चिद। इसका दूसरा शब्द है संवित, वित। वित धातु का अर्थ होता है जानना, ज्ञान। तो सत का अर्थ होता है अस्तित्व, चित का अर्थ होता है ज्ञानमय। तो भगवान में जो हम बोलते हैं सत चिद आनंद, सत मतलब भगवान नित्य है और भगवान ज्ञानमय है और भगवान आनंदमय है। आनंद उसको हल्लादिनी कहते हैं। हल्लादिनी मतलब भगवान की, हाँ क्या हो गया? हल्लादिनी उसको, वो होता है भगवान की प्लेजर पोटेंसी, जो कहते हैं आनंद की शक्ति। और श्रीमती राधा रानी कौन है? हल्लादिनी शक्ति का मैनिफेस्टेशन, हल्लादिनी शक्ति, आनंद की पोटेंसी। जब हम जब करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा, आनंद का अनुभव होता है। तो आनंद क्या है, वो कहाँ से आ रहा है, वो रिजर्वियर कौन है उस आनंद का? राधा रानी। सत, चिद और आनंद। सोल क्या है? सत, चिद और आनंदमय। शरीर क्या है? असत, अचिद और निरानंदमय। इस तरह से क्लासिफाई किया गया है, सत, चिद, आनंद, असत, अचिद, निरानंद, जस्ट अपोजिट। आत्मा का नेचर क्या है? सत, नित्य है, इटर्नल है। शरीर का नेचर क्या है? असत है, टेम्परेरी है। आत्मा का नेचर क्या है? ज्ञानमय है। शरीर का नेचर क्या है? अज्ञानमय है। अज्ञानमय मतलब आज से एक साल पहले कौन सा कलर की ड्रेस पहनी थी?
दिन पहले, दो दिन पहले, सोचना पड़ेगा, भूल जाते हैं। शरीर के साथ में भुलक्कड़पन आता है, विस्मृति रहती है। शरीर, ये शरीर प्राप्त होते, पिछले शरीर की बात हम भूल गए, विस्मृति रहती है, अज्ञानमय। एक तो टेम्प्ररी है, अज्ञानमय है और निरानंदमय है। शरीर बीमारियों की जड़ है, बीमारियां निकलती है इससे, दर्द होता है, पेन होता है, निरानंदमय। लेकिन आत्मा कैसी है? सत, चित और आनंदमय, ये दोनों का विभाजन है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति वो होती है सत, चित, आनंदमय। और बहिरंगा शक्ति क्या होती है? असत, अचित, निरानंदमय। गीता के दो श्लोकों में इसको बताया गया। कौन से श्लोक में? सातवें अध्याय में। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इत्यम में भिन्न प्रकृति अष्टदा। भिन्न प्रकृति मतलब, भिन्न प्रकृति मतलब भौतिक प्रकृति, अपरा प्रकृति, ये शब्द है अपरा प्रकृति, मेटेरियल प्रकृति। ये कैसे बनी हुई है? भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पंच महाभूत। भूमि, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये स्थूल तत्व हैं। सूक्ष्म क्या है? मन, बुद्धि और अहंकार, यह मेटेरियल एलिमेंट्स। तो जो भगवान की बहिरंगा शक्ति है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ मैटर और मेटेरियल एलिमेंट्स। लेकिन अंतरंगा शक्ति इज कंपोज्ड ऑफ सत, चिद, आनंद। भगवान का जो धाम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, वो काय का बना है? वो मैटर का बना है। जैसे ये है, जैसे ये इस जगत में सब कुछ मैटर का बना है। भूमि रापो नलो वायु खम मनो बुद्धि रेचा। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड में भी सब कुछ एग्जिस्टेंस में है, वहाँ भी घर है, वहाँ भी रोड है। लेकिन वहाँ पे सब कुछ कैसे बना है? स्पिरिचुअल, सच्चिदानंदमय है वो। चिंतामणि प्रकर सद कल्प वृक्षा। चिंतामणि मतलब वो स्पिरिचुअल है, सब कुछ चिद पोटेंसी का है, सब कुछ ज्ञानमय है, सब कुछ आनंदमय है। तो ये क्लासिफिकेशन वैष्णव दर्शन, वैष्णव फिलॉसफी में बहुत क्लियरली किया गया है। उसे मैं बोल दिया उस जीत को कि ये मेटेरियल और स्पिरिचुअल का अंतर। बोले प्रभु जी ये तो बहुत ऑर्थोडॉक्स बात है, हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं मेटेरियल स्पिरिचुअल। हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर रहे हैं, गीता में कृष्ण ने डिफ्रेंशिएट किया है व्हाट इज मेटेरियल व्हाट इज स्पिरिचुअल। डिफ्रेंशिएशन है कि हमारा इमेजिनेशन नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश है और छाया है, ये डिफ्रेंसिएशन है, ये इमेजिनेशन नहीं है। इसका अस्तित्व है, लेकिन अस्तित्व कैसे है? प्रभुपाद जी लिखते हैं ओरिजिनली एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। जैसे उदाहरण के तौर पे प्रकाश का अस्तित्व है या अंधकार का अस्तित्व है? प्रकाश के अस्तित्व पर अंधकार का अस्तित्व निर्भर करता है। जहां पर प्रकाश नहीं पहुंच पाता वहां अंधकार है। यानी अंधकार को भी डिफाइन करने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश। दूसरा उदाहरण, हम हीट को नापते हैं कि कोल्ड को नापते हैं? हम हीट को नापते हैं। एब्सेंस ऑफ हीट को हम कोल्ड कहते हैं। कोल्ड का अपना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है। एब्सेंस ऑफ हीट को हम कोल्ड कहते हैं। भाई -50 degrees तापमान, इसका अर्थ क्या है? ये 0 से 50 degrees कम। हम नाप किसको रहे हैं? हीट कंटेंट को नाप रहे हैं। क्योंकि कोल्ड को आप नहीं नाप सकते, अंधकार को आप नहीं नाप सकते। लाइट को नापने की यूनिट होती है, क्या होते हैं? ल्यूमिनस है ना, क्या बोलते हैं उसको? फ्लक्स। लेकिन हम अंधकार को नहीं नाप सकते। एब्सेंस ऑफ लाइट इज नोन एज डार्क, एब्सेंस ऑफ हीट इज नोन एज कोल्ड। और दूसरा उदाहरण दिया जाता है, तो सब कुछ स्पिरिचुअल है बाय डिफॉल्ट। लेकिन जब उस एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, लेकिन जब ऐसा समझिए जैसे बादल, बादल की सृष्टि कहाँ से होती है? पानी से। वो पानी कौन इवेपोरेट करता है? सूर्य। तो यह इसका मतलब बादल का जन्म देता है कौन? सूर्य। ये बहुत सुंदर उदाहरण रूपा जी दे रहे हैं। बादल को जन्म कौन देता है? सूर्य। और वही बादल किसको ढक देता है? सूर्य को ढक देता है। क्या सूर्य को ढकता है? किसको ढकता है? वास्तव में हमारे विजन को ढकता है। सूर्य तो इतना विशाल है उसको कोई नहीं ढक सकता, लेकिन वही सूर्य बादल बनाता है और बादल हमारे विजन को ढक देता है।
उसी प्रकार से भगवान की शक्ति से, सूर्य की तुलना करी गई है भगवान से, भगवान की शक्ति से, भगवान की ही स्पिरिचुअल पोटेंसी से माया शक्ति का जन्म होता है। लेकिन माया शक्ति किसको ढक देती है? जीव के विजन को ढक देती है। एनालॉजी समझ आई? क्या एनालॉजी है सौमित, क्या एनालॉजी है? जैसे सूर्य बादल को जन्म देता है और बादल हमारे आपको को ढक देता है, उसे माया शक्ति जीव के विजन को ढक देती है। सिंपल एनालॉजी है। एक्चुअली में माया शक्ति का जन्म किससे हुआ है? भगवान से हुआ है। जैसे उदाहरण देते हैं, एक इलेक्ट्रिशियन है, मैं कई बार इस उदाहरण को, एक इलेक्ट्रिशियन है, वो इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है, ओवन में डाल सकता है, हीटर में डाल सकता है, उससे इमर्शन रॉड में डाल सकता है, गीजर में डाल सकता है, इन सब इंस्ट्रूमेंट के माध्यम इलेक्ट्रिसिटी वही है सेम, पर वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सेम इलेक्ट्रिसिटी है फ्रिज के माध्यम से, कूलर के माध्यम से, एसी के माध्यम से कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। सेम इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी सेम है लेकिन उसके इफेक्ट्स अलग अलग है। शक्ति मूलतः सेम है भगवान की, वो स्पिरिचुअल है, लेकिन वही शक्ति आध्यात्मिक जगत में जब कार्य करेगी तो अंतरंगा शक्ति के रूप में, भौतिक जगत में जब कार्य करेगी बहिरंग शक्ति के रूप में। वही शक्ति जब भक्तों के ऊपर कार्य करेगी तो भक्त भगवान के उन्मुख बनेगा। वही शक्ति जब जीवात्मा के मतलब एक मतलब अभक्त के ऊपर कार्य करेगी तो उसको भगवान से भुला देगी। सेम शक्ति, यानी उन्मुख कराने वाली सेम शक्ति है, विमुख कराने वाली सेम शक्ति है। एनालॉजी समझ आ रही है? ये अभी जो हम अभी नेक्टेरियन ओशन में ये बात आई थी कि वही शक्ति भगवान से उन्मुख कर रही है, वही शक्ति भगवान से विमुख कर रही है, शक्ति सेम है। इसका दूसरा उदाहरण दिया जाता है, दुर्गा देवी के दो नाम है, जोगमाया और महामाया। आध्यात्मिक जगत में दुर्गा देवी जोगमाया के रूप में कार्य करती है और भौतिक जगत में वही दुर्गा देवी महामाया के रूप में कार्य करती है। नहीं, भगवान की शक्ति जोगमाया महामाया, जीव के उन्मुख करना, जीव को विमुख करना। एनालॉजी समझ आ रही है? एक पॉइंट समझ आ रहा है? तो एनर्जी बेसिकली स्पिरिचुअल, एवरीथिंग स्पिरिचुअल, बट व्हेन इट इज एक्टिंग फॉर नॉन डिवोटीज, व्हेन इट इज एक्टिंग इन सच इन सच अ वे दैट वी आर फॉरगेटिंग कृष्णा, इट हैज बिकम मेटेरियल। एनर्जी इज सेम। तो ये सिद्धांत को प्रतिपादन, ये वैष्णव दर्शन है, शक्ति और शक्तिमान कॉन्सेप्ट को ये क्लैरिटी से हमको पता होना चाहिए। लास्ट पॉइंट, एक व्यक्ति ने प्रश्न पूछा कि कॉमन क्वेश्चन है कि भाई संसार में इतने पाप क्यों हो रहा है, नफरत क्यों है हृदय में, लोग मार रहे हैं, काट रहे हैं दूसरों को, करप्शन हो रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, अमीर अमीर बनता जा रहा है, लोग भूख से मर रहे हैं। तो अगर ये सृष्टि भगवान ने करी है तो इतना इसमें कष्ट क्यों है, ये कॉमन क्वेश्चन लोग पूछते हैं। अगर भगवान की सृष्टि है तो उसमें पूर्णता क्यों नहीं है, ये प्रश्न उठता है ना। अगर सब कुछ भगवान ने बनाया तो इतना कष्ट क्यों बनाया, एथिस्ट लोग इस तरह का तर्क करते हैं, इसलिए हम नहीं मानते भगवान है, अगर भगवान होते तो इतना फिर इनडिस्क्रिपेंसी नहीं होती थी, डिस्क्रिपेंसी नहीं होती थी। क्या उत्तर देंगे इसका? सेम उत्तर है। उत्तर ये है कि हम जैसे मान लीजिए पानी की बॉटल है, उसमें आप 100% पानी भर दीजिए तो कितना परसेंट एयर बचा? 0% एयर बचा। आप 100% एयर भर दीजिए तो 0% पानी बचा। आप 50% एयर और 50% पानी भी भर सकते हैं, कभी खाली नहीं रहेगा, या तो उसमें पानी भरा होगा तो उसमें एयर भरी होगी, या तो दोनों भरा होगा। उसी प्रकार से या तो हमारे हृदय में अगर 100% भगवान के प्रति प्रेम है तो फिर जो नेगेटिविटीज़ है, लस्ट, एंगर, प्राइड, ग्रीड, इल्यूजन, उसकी जगह नहीं बची। 50% कृष्णा है तो बचा 50% जगह कौन घेरेगा, और 0% कृष्णा है तो 100% वो जगह किसने घेरी हुई है, समझ रहे हैं? तो भगवान ने, जो भगवान का कंप्लीट मैकेनिज्म है, इस संसार में कष्ट इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान ने इस जगह को इस तरह बनाया है। सिंपल सा लॉजिक ये है कि अगर हृदय पूरा कृष्ण प्रेम से आप्लावित रहेगा, भरा हुआ रहेगा, तो उसमें फिर इस प्रकार की पेटी थिंग्स की जगह नहीं बचेगी।
और अगर 50% कृष्णा रहेंगे तो 50% माया रहेगी, तो फिर माया अपने हिसाब से काम कराएगी। 100% कृष्णा रहेंगे तो 0% माया, कोई इन्फ्लुएंस नहीं। इस्कॉन में क्यों आए हैं मानस जी? हम लोग 2-4% कृष्ण तो पहले भी थे हृदय में, अभी किस लिए आए हैं? 100% रिचार्ज कराने के लिए आए हैं, समझ रहे हैं? जब 100% हृदय में कृष्ण रहेंगे तो माया का इन्फ्लुएंस 0% होगा। हरे कृष्ण। किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई क्वारी, कोई कमेंट? कॉन्सेप्ट समझ आए? थोड़ा सा टेक्निकल इशू है, मतलब थोड़ा सा टिपिकल फिनोमेना है, फिलॉसफी है। बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। प्रश्न सुना आप लोगों ने कि भाई आप कह रहे हैं कि अगर हम अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहते तो फिर हमको माया का कष्ट त्रिताप अनुभव नहीं करना पड़ता, लेकिन हम तो देखते हैं भक्तों के जीवन में त्रिताप आता है। केवल तुलसीदास जी हैं, आप प्रहलाद के जीवन का कष्ट देख लीजिए, 100% कृष्णा कॉन्शियस है और 100% पिताजी एनवीएस है, 100% भक्ति करना चाहते हैं लेकिन 100% के पिताजी उनको मारने पर तुले हुए हैं। पांडवों के जीवन में ऐसा होता है। इसका निर्णय कहाँ दिया गया है पता है? हैं? भीष्म स्तुति में, भीष्म पितामह के उपाख्यान में इसका निर्णय विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर दे रहे हैं कि भाई भीष्म पितामह कह रहे हैं पांडवों से, तुम तो धर्म के पुत्र हो, साक्षात धर्म के अवतार हो, तो तुम धर्म के अवतार हो, तुमसे अधर्म हो नहीं सकता, और अभी नहीं, किसी जन्म में तुमसे अधर्म नहीं हुआ, तो जो तुम कष्ट अनुभव करोगे तुम्हारा कर्मफल है भाई। व्यक्ति व्यक्ति का कुछ कर्मफल होता है तो उसका दुख उसको भोगना पड़ता है, पर पांडवों के ऊपर तो ये लागू नहीं होता। क्यों? वो साक्षात धर्म की प्रतिमूर्ति है, उनसे कभी अधर्म नहीं हुआ, तो अधर्म नहीं हुआ तो उनको क्या रिएक्शन किस चीज़ का मिलेगा? तो ये बोलना कि पांडवों को अपने कर्म का फल मिल रहा है, ये ठीक नहीं होगा। इस बात पहले खंडन कर रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर। इसका मतलब है कि भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, जो 100% सरेंडर्ड भक्त हैं, जिसके अंदर आपने जो नाम लिया तुलसीदास जी, प्रहलाद, पांडव, द्रौपदी, द्रौपदी का क्या कष्ट था? क्या द्रौपदी वो 100% सरेंडर्ड, 100% सरेंडर थी? इतनी बड़ी सभा में जहाँ लाखों लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे रानी को, मतलब कुरु वंश की बहू को निवस्त्र किया जा रहा है, इमेजिन कर सकते हैं? ये इमेजिन करने से परे, कोई मोबाइल वीडियो में निवस्त्र होए तो अलग बात है, भरी सभा में और इतनी सम्माननीय नारी, लाखों लाखों लोग बैठे थे उस सभा में, उनका चीरहरण हो रहा है, उनका कौन सा कर्म का फल उनको मिल रहा है बताइए? तो यहां पे पहले तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस बात का खंडन कर रहे हैं कि शुद्ध भक्त को भगवान पर 100% सरेंडर भक्त को ऊपर कर्म का प्रभाव ही नहीं है। अरे आप थोड़ी भक्ति करिए आपकी एस्ट्रोलॉजी चेंज हो जाती है। अगर कोई जेन्यून एस्ट्रोलॉजर है, आप उसके पास जाएंगे, उसको बोले भाई मेरी एस्ट्रोलॉजी देखना जरा, हाथ देखना जरा, अगर वो जेन्यून है और वो अगर आपसे पूछेगा भाई आप क्या करते हो, आप हरे कृष्ण जपते हो क्या, तो आपको कुंडली देख, आपका एस्ट्रोलॉजी देखने से मना कर देगा। अगर जेन्यून आती है तो वो बोले आपके ऊपर काम ही नहीं करेगा तो उसको क्या देखना। कर्म का सिद्धांत भक्त के ऊपर लागू नहीं होता, ये अंगूठियाँ पहनना अलग अलग प्रकार की, ये भक्तों को जरूरत नहीं है। अरे हम कृष्ण पर आश्रित है, क्या ये अंगूठी या पत्थर क्या करेगा? भाग्य बनाने वाले वो है, बिगाड़ने वाले वो है। भारत भाग्य विधाता हम गाते हैं, इस किसका नाम हम गाते हैं? जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता। जन गण के मन के जो अधिनायक है, जो हीरो है, जो भारत के भाग्य विधाता है, भारत का कौन भाग्य विधाता है? कौन भारत का भाग्य विधाता है? वो भारत जो युद्ध के समय में अपना अस्त्र शस्त्र रख के बैठ गया, उस भारत के भाग्य को किसने बदला? तो हमारा नहीं बदलेंगे,
ये जो हम नेशनल एंथम गाते हैं किसका, भारत भाग्य विधाता, जिनके गुणों का गान किया जाता है, पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल, बंगाल, बिंद, हिमाचल, यमुना, गंगा, सब जगह पे जिनके गुणों का गान किया जाता है, तब शुभ नामे जागे। अरे जिसका नाम लेकर के लोग जागते हैं, कहीं भी आप चले जाओ, उड़ीसा में जगन्नाथ जी का नाम लेके जागते हैं, महाराष्ट्र चले जाओ पांडुरंग का नाम लेके जागते हैं, द्वारका, गुजरात चले जाओ तो द्वारकाधीश का नाम लेके जागते हैं, आप पंजाब चले जाओ एक ओंकार सतनाम, किसका नाम है, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष, आपसे आशीष मांगते हैं, गाए तब जय गाथा, आपके जय का गान होता है हर जगह पर। तो भारत के भाग्य को बदलने वाला कौन है, तो उनका भाग्य बदलते, हमारा भाग्य है जनगण मंगलदायक जय, जो जनगण के वास्तविक मंगलदायक हैं उनकी जय हो। फिर बता रहे, कंफर्म कर रहे, भारत भाग्य विधाता, जो भारत के भाग्य विधाता है उनकी जय हो, जय हो, जय हो। ये भक्ति सिद्धांत वैभव में लिखा है कि रविन्द्रनाथ टैगोर इनके फ्रेंड थे, किनके, भक्तिनाथ ठाकुर, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के समकालीन है, कौन, रविन्द्रनाथ टैगोर, एज में ऑलमोस्ट, तो इनके घर में आना जाना हुआ करता था। भक्ति सिद्धांत ठाकुर के फ्रेंड थे जानकीनाथ बोस, कौन, जानकीनाथ बोस, सुभाष चंद्र बोस के पिताजी, सो लिखा हुआ है। और कितनी बार सुभाष चंद्र बोस की मुलाकात हुई भक्ति सिद्धांत ठाकुर से, वो कन्वर्सेशन भी लिखा हुआ है। एनीवे, तो अंगूठियों में दम नहीं है, ये हम कह रहे हैं, भाग्य छोड़ दीजिए। तो फिर किस कारण से भक्तों को कष्ट मिला, इसका आंसर जानते क्या दे रहे हैं, भगवान के भक्तों के जीवन में जो कष्ट आता है ये उनके कर्म फल से नहीं होता है, ये काल के प्रभाव से भी नहीं होता है कि नहीं समय बुरा चल रहा है, क्यों भक्त का समय बुरा चलेगा, केवल एक निर्णय दे रहे हैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर कि भक्त के जीवन में जो भी कष्ट आता है होता है प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, भक्त की प्रेम भक्ति को विवर्धन करने के लिए उसके जीवन में कष्ट आता है, बस। तुलसीदास जी को जेल में डाल दिया अगर अकबर ने, केवल एक कारण है, प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, पांडवों के जीवन में कष्ट आया प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, द्रौपदी का कष्ट आया। अरे कल एक श्लोक में सुना जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज का गौरव महाराज के लेक्चर में, मैं यहाँ से गया तो क्लास चली, मैं तुरंत जाके बैठ गया, क्या बोल रहे हैं जगन्नाथ दास बाबूजी महाराज, एक श्लोक बोल रहे हैं, मैंने श्लोक नोट करके रखा अपने कॉपी में, वहाँ लिखा हुआ है, श्लोक बहुत सुंदर है, बोल रहे हैं, श्लोक भूल गया अभी, याद नहीं किया, उसका भावार्थ बता रहा हूँ। बोले भगवान जब द्रौपदी ने चीख लगाई आप दौड़ते हुए आ गए, द्रौपदी की पुकार सुनकर आप दौड़ते हुए आ गए, और गजेंद्र ने जब पुकार लगाई तब आप दौड़ते हुए आ गए। अरे भगवान कैसे दौड़े थे गजेंद्र के लिए जानते हैं, सॉरी, भगवान गरुड़ को बोले चलो 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 चलो, अब गरुड़ चल रहा अपनी स्पीड में, गरुड़ की स्पीड जानते कितनी है, मन की गति से तेज चलता है गरुड़, भगवान कहते तो बहुत स्लो चल रहे हो। एक तो भगवान अपने बेड पे बैठे हुए थे तो भगवान ने चप्पल बांधने की मतलब जूते टाइट करने की उन्हें नहीं सोची, वो भागने लग गए, चप्पल नहीं पहने भगवान, तो चप्पल पहनूंगा टाइम लग जाएगा, भक्त बुला रहा है, फिर वो जाके गरुड़ पे बैठे, अब वो गरुड़ चलो तेज तेज चलो, तो गरुड़ क्या तेज चलता, बोले तुम्हारे गति है बिल्कुल धीरे चल रहे हो। तो भगवान गरुड़ से कूद करके खुद दौड़ते हुए गए गजेंद्र को बचाने के लिए, ऐसा लिखा है शास्त्र में। तो द्रौपदी ने जब पुकार लगाई आप दौड़ते हुए आ गए, गजेंद्र ने पुकार लगाई तो आप दौड़ते हुए, वो गति आपकी मेरे लिए कहाँ है, मैं सबसे पुकार लगाया जा रहा हूँ भगवान, वो गति यहाँ है ना, वो कहाँ गई, वो आपकी गति कहाँ गई, वो भक्त प्रश्न पूछ रहे कहाँ आपकी वो गति, वो स्पीड कहाँ चली गई, मेरे लिए वो स्पीड नहीं है। तो कोई भी भक्त के जीवन में, भागवत में इतने एपिसोड आए जिन जिन भक्तों के जीवन में जो जो कष्ट आया उसे एक ही कारण है, एक ही निर्णय है। अगर आप बोले कर्म के कारण होता है, भाई कर्म तो हमारा तो पहला सिद्धांत है, माला जपने से कर्म का फल, भाई नाम आभास की स्थिति में कर्म खत्म हो जाता है, शुद्ध नाम नहीं, आप सोते हुए संकेत्यम परिहास्यम वा आप नाम करते कर्म खत्म हो जाता है, कर्म का कर्म लागू नहीं होता,
तो ये बोलना कि भैया नहीं कर्म का फल मिल रहा है, गलत है, झूठ बोल रहा है, मतलब प्रारब्ध खत्म हो जाता है। तो फिर आप कैसे बोल सकते हैं प्रारब्ध का फल मिल रहा है, मतलब कर्म फल है? भक्त ऐसा मानता है मेरा कर्म फल है, वो ऐसा मानता है। तत्त्वानुकंपा सुसमीक्षा मानो भुंजान एवात्मा कृत विपाकम, मेरा जो पाप कर्म मैंने किया उसका कष्ट भोग रहा हूँ, ये भक्त के अनुभव इस तरह है, पर सिद्धांत ये नहीं है। क्योंकि जिस दिन अजामिल ने पहली बार कृष्ण का नाम लिया था, नारायण का नाम लिया था, कैसे बोला था, ए नारायण अपनी माँ की गोद से मेरी गोद में आओ, ये बोलने पर तो सारा कर्म खत्म हो गया। ये लिखा है आचार्यों ने कॉमेंट्री में, पहली बार जब नाम लिया तब कर्म खत्म हो गया, पाप सारा खत्म हो गया। तो फिर ये बोला कि पाप का फल मिलता है भक्त के, तो गलत होगा। तो एक ही कारण है भक्त कष्ट का, क्या है, प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम, केवल भक्त के जीवन में जो कष्ट आता है। इसलिए देखिए जिस भक्त के जीवन में कष्ट आता है, प्रभुपाद जी के जीवन में क्या कष्ट नहीं आया, प्रभुपाद जी घर का पता नहीं अपने ऑफिस का कुछ काम वाम करके आए, पता चला फैक्ट्री में आग लग गई, पहुंचे घर तक आग लग गई, दूसरी फैक्ट्री बनाने के लिए पेपर वर्क किया, वो पेपर रेडी रखा, वो लालटेन गिर गया उसके ऊपर, उसमें आग लग गई, प्रभुपाद जी हो गया खत्म। उनकी बीवी ने उन चाय और बिस्किट खरीदने के लिए भागवतम बेच दी, कितना कष्ट था प्रभुपाद ने। प्रभुपाद जी ने सारे बच्चों की शादी नहीं करा पाए थे, उनका एक बच्चा ये भी था मेंटली रिटार्डेड, लड़की की शादी भी नहीं करा पाए थे, और उससे पहले वो घर छोड़ना पड़ गया, कितना कष्ट सहन किए। जब गौरविंद महाराज घर छोड़ करके आए थे, मैं गौरविंद महाराज के बच्चों से मिला हूँ, आते हैं कभी कभी, उनकी उनकी वाइफ पूर्व आश्रम की जो वाइफ है वो भी आती कभी कभी, और उनके बच्चे, वो अपना बाइक चला के, गौरविंद महाराज का पोता यहीं पे आप लोग के कोई कोचिंग में कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करता है, डायरेक्ट पोता, शायद आप लोगों ने मिले भी हो कभी, कोई बाणे में एडमिशन लिया हो तो पता चले, चाहते तो गौरविंद महाराज करोड़ों की प्रॉपर्टी नाम करके जा सकते थे, अपनी पेंशन तक नाम नहीं करी। उनके पुत्र जाके बोले, अरे पिताजी कम से कम साइन कर दीजिए, आप तो चले गए, आपकी पेंशन हमको मिलेगी। बोले मैं अपने कर्मी नाम का इस्तेमाल नहीं करूँगा, जो मेरा पुराना नाम था बजबंधु माणिक, उसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। बोले फिर आप पासपोर्ट में तो वही नाम लिखते हैं। बोले गुरु की सेवा के लिए वो, पर माया की सेवा के लिए नहीं करूँगा। क्या अलग ही लेवल ऑफ, समझ रहे हैं आप, डिटैचमेंट। कभी वो पेंशन के पेपर साइन नहीं किए, छोड़ के आ गए, और उस समय छोटे छोटे बच्चे थे, जब गौरविंद महाराज प्रभुपाद जी को ज्वाइन किए जाकर के, सब छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के आ गए। अरे पूरी दुनिया को खिला रहा है, बच्चों को नहीं खिलाएगा? भक्त का बहुत बड़ा आग्रह है ये समर्पण। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिए, कौन था घर पे, 90 साल की माँ और 16 साल की पत्नी, तो भक्तों के जीवन में कष्ट नहीं आता क्या? कष्ट तो आता है, एक ही कारण है, प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम। ऋषितेश प्रभु मानो अभी टेंपल ज्वाइन कर लेंगे, ब्रह्मचारी हो जाएंगे, तो माता पिता क्या बोलेंगे, अरे जगन्नाथ जी हमारे लड़के को ले गए, वो रोएंगे गाएंगे चिल्लाएंगे, लेकिन नाम लेंगे किसका, वो जगन्नाथ जी का। तो किसका वर्धन हो रहा है भक्ति का? कष्ट मिल रहा है नो डाउट, लड़का चला गया कष्ट नहीं मिलेगा, लेकिन हर क्या बढ़ रहा है, भक्ति बढ़ रही है। तो भक्त के जीवन में जो कष्ट आता है उसे एक ही रीजन है, इसलिए कोई भक्त के जीवन में कोई भी कष्ट आता है उसकी भक्ति बढ़ती कम नहीं होती। कभी देखा किसी भक्त के जीवन कष्ट है उसकी भक्ति कम हो गई? कभी नहीं होता, ऐसा होता ही नहीं है। और कभी मान लीजिए आप भक्ति भक्ति छोड़ के चले जाएं, फिर इतना कष्ट माया देगी, एक ज़्यादा कष्ट देगी, आप समझ रहे हैं? जब तक भक्त संग में थे कष्ट अनुभव नहीं हो रहा, भक्त संग छोड़ के जाएंगे ज़्यादा पिटाई पड़ेगी। याद आएगा, नहीं बेस में रहते थे ना, ऐसे जप करते थे, बेस में ऐसे रहते ना, ऐसे मंगल आरती करते थे, ऐसे गीता पढ़ते थे, लौट लौट के आना पड़ेगा, क्या करें, ये मैकेनिज्म ही ऐसा है। प्रेम भक्ति विवर्धनार्थम है, क्या हो गया, अरे प्रशांत गुरु साक्षात, ठीक है, मिला आपके प्रश्न का उत्तर, समय हो गया, और किसी के मन में कोई जिज्ञासा? अंतरंग शक्ति क्या होता है जानते हैं, हमारे गुरुमार बोलते हैं अंतरंग शक्ति की सिंपल डेफिनेशन क्या है, भक्तों का संग, वैष्णवों का संग है अंतरंग शक्ति। हम अंतरंग शक्ति है, उसके नेचर के हिसाब से रिएक्ट करता है, कितना भी रिएक्ट कर ले, लेकिन रियलाइजेशन तुरंत होना आता है,
मेरा पेट में दर्द है, अब भगवान बढ़ा रहे, भक्ति भगवान के कारण हो रहा है, तो क्या दवाई नहीं लूँगा? नहीं, दवाई लूँगा। आप समझ रहे हैं? अपने अपने मिस्ट्रीज को मिटिगेट करने के लिए प्रयास करूंगा, लेकिन मेरी पूरे पूरा जो भावना है, एक कष्ट क्या शरीर है तो कष्ट। भक्त पर्सनली क्या सोचता है कि मेरे कर्म का फल है, ऐसे ही सोचता है, ये भक्त की पर्सनल भावना होती है। लेकिन वास्तविकता ये है कि भक्त के जीवन में कष्ट आता है उसकी भक्ति बढ़ाने के लिए। माने पेट में दर्द होगा तो भाई थोड़ा ना मैं कोई इंद्र देवता के पास जाऊँगा कि वरुण देवता के पास जाऊँगा कि शीतला माता के पास जाऊँगा। जाएंगे तो कृष्ण कृष्ण हो एनी वे वो कृष्ण के पास जाएगा और वो कृष्ण को दोष नहीं देगा मेरा पेट में दर्द कर दिया भक्ति बढ़ाने के लिए। ऐसा नहीं है, वो ऐसे दोषारोपण नहीं करेगा, क्योंकि वो भगवान के मैकेनिज्म। जैसे इसका एक और उदाहरण देते हैं, जैसे पिताजी छोटे बच्चों को उछालते हैं तो बच्चा उछालता फिर कैच कर ले, हाँ, फिर पिताजी तो भगवान के खाते भक्त उछालते हैं फिर कैच कर लेते उठा ले, ये भगवान को ही मजा लगता है। ये स्वरूप स्वभाव है भगवान का, भगवान एक व्यक्ति है ना, आपका एक स्वभाव है, इनका एक स्वभाव है, मेरा एक स्वभाव है, भगवान का एक स्वभाव है। हर एक हर व्यक्ति का अपने स्वभाव, तो भगवान का भी अपने स्वभाव है, करेगा। लेकिन भक्त सिंपल है, हर जीव को कष्ट मिलेगा वो अवॉइड करने का प्रयास करेगा, लेकिन दोनों भक्त और जो डिवोटी नॉन डिवोटी में अंतर क्या है, कष्ट में डिवोटी की डिवोशन बढ़ जाएगा, नॉन डिवोटी का और खत्म हो जाएगा, बस ये अंतर है, केवल इतना अंतर है। कष्ट सबको मिलेगा परंतु एटीट्यूड का अंतर है। डिवोटी को जब कष्ट मिलेगा उसका डिवोशन और बढ़ जाएगा, नॉन डिवोटी कष्ट मिलेगा तो उसका डिवोशन जो बचा कुचा वो भी खत्म हो जाएगा। जैसे नए नए जो डिवोटी आते हैं, नए नए मंदिर में आते हैं, और मैं नए नए मंदिर में आया था, मेरा ब्रेकअप हो गया, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, दोष देंगे कृष्ण का, कृष्ण है चलो। भक्त की गर्लफ्रेंड छूट जाएगी तो बोलेगा चलो अच्छा माया से जान देखती, अब कृष्ण आप पे फुल फोकस कर सकता हूँ। सेम एक ही सिचुएशन में दो व्यक्ति अलग तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, भक्त अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है, अभक्त अलग तरीके से रिएक्ट कर रहा है। ठीक है क्या हो गया? सौरभ एनलाइटन हो गया पूरा, उसका चेहरा दिख रहा है। ठीक है समय हो गया, एक एक पॉइंट बता के खत्म करेंगे। यस प्रभु, क्योंकि ये क्या है हमारा प्रक्रिया, हमने अलग डाल दी है। लीजिए माइक को बोलिए, माइक कैमरा को हाथ से पकड़ लो, घूम रहे हैं। तो प्रभु जी आपने स्टार्ट किया कि भगवान की तीन मेन पोटेंसी हैं, इंटरनल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी एंड मार्जिनल, चित्त वैभव, अचित वैभव एंड जीव शक्ति। सो इंटरनल पोटेंसी का काम है कि भगवान की तरफ उन्मुख करना, बहिरंग का काम है भगवान की तरफ बहिर्मुख करना, और तथस्थ हम तट पे रहते हैं, हमारा च्वाइस है कि हम बहिरंग के शरण में रहते हैं या अंतरंग। तो एक्सटर्नल पोटेंसी से हम भगवान से बहिर्मुख हो जाते हैं, लेकिन ये भगवान की शक्ति भगवान से क्यों बहिर्मुख कराएगा? ये एक्चुअली हमारे टेस्ट लेने के लिए है और हम लोग को वापस मुड़ने के लिए कह रहा है। सौरभ प्रभु का टेस्ट हुआ था, लेकिन सौरभ की बहन का मैसेज आया मेरे पास, बोले आप सौरभ उत्तर कबाट को जानते हैं? मैंने कहा जानता हूँ। बोले वो बहुत दिन से फ़ोन नहीं उठा रहा है और कुछ ये हो, कुछ हो गया क्या? मैंने कहा नहीं। मैंने कहा आप कौन बोल रहे हैं? बोले मैं उसकी सिस्टर बोल रही हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैं उसे पूछ के बताऊंगा। मैं लगाया इनको फोन, मैंने कहा भाई क्या हो गया? तो मैं सिस्टर फोन बोले, मुझे वो सिस्टर नहीं है, वो कॉलेज की एक लड़की है, वो मेरे पीछे लगी हुई है और मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, तो वो रो रही है, चीख रही है, चिल्ला रही है, तो मैंने उसको ब्लॉक कर दिया है। तो इस तरीके से सौरभ ने माया के द्वारा दिए गए एलिवरमेंट को पास कर लिया। अरे कृष्णा अब उसको मेरा नंबर कहाँ से मिला मुझे ये नहीं पता। ये कितना रिसर्च है, मतलब माया ये पूरा एक्सपेरिमेंट कितना रिसर्च है, पहुंच करके मेरे पास पहुंच गया, बताइए जी। आपने अभी कर्मफल के बारे में बताया, जो भक्त होते हैं उनको कर्मफल का असर नहीं होता, वो ईश्वर का नाम लेते ही उनका जो कर्मफल का जो सिद्धांत है वो ख़त्म हो जाता है, और जो भक्त के जीवन में जो कष्ट आते हैं वो उनको परखने के लिए आते हैं, उनकी भक्ति शक्ति और प्रेम को परखने के लिए होते हैं जी। यस आयुष,
प्रभु सच्चिदानंद का जो मतलब बताया आपने कि जो श्री कृष्ण हैं वह सत्य सत्य के राह पर हैं, और चित्त का मतलब जो है मतलब हाँ ज्ञानमय है और आनंदमय है, तो सच्चिदानंद का अर्थ होता है नित्य इटरनल नित्य अस्तित्व। यस मानस दुर्गा देवी अपने त्रिशूल से तीन प्रकार के देखो त्रिशूल त्रिशूल तीन प्रकार के होते हैं, क्या है वो आदि दैविक आदि भौतिक आदि आदि आत्मिक आदि देव। माया जीव जीव को कष्ट देती है, कष्ट देती क्यों? कृष्ण को प्राप्त कर सके बोल, कृष्ण के कृष्ण को प्राप्त कर सके बोल, कृष्ण को प्राप्त कर सके, कृष्ण को हम प्राप्त नहीं करना चाहते इसलिए कष्ट देती है। प्रभु जी क्या वो फोन भूल गया मैं क्या सोचा था। हाँ कर्म फल का जो भक्त है उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है जो भक्ति करते हैं। हाँ बता दिए क्या? हाँ तो जो हमारे जब तकदीर में जो भी लिखा है बहुत दुखी है तो हम चांटी निकलने से वो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा हमारे पर, जो जितना भी दुख कष्ट है जो हम चांटी करेंगे भक्ति में करेंगे तो वो सब हमारे पर असर नहीं पड़ेगा, तो पड़ेगा भी तो पड़ेगा तो हम हैंडल कर लेंगे कैसे भी करके। आपने एक उदाहरण दिया था कि जैसे सूर्य क्लाउड जो होता है सूर्य से उत्पन्न होता है फिर भी वो सूर्य को ढक देता है हमारे नज़रों से, तो वैसे ही माया भगवान की शक्ति से उत्पन्न होता है पर फिर भी वो जीव की जो विजन है उसको ब्लॉक कर देता है उसको। जी आपने एनालॉजी दी थी कि जैसे बॉटल में रहता है या तो पानी रहेगा या तो हवा रहेगी लेकिन बॉटल हमेशा फुल ही रहता है किसी भी तरीके से, वैसे ही हम लोग हैं या तो हमारे अंदर कृष्ण प्रेम रहेगा या तो हम माया से प्रभावित होंगे या कुछ भी होगा मतलब फुल तो होंगे ऐसा, तो यदि कृष्ण प्रेम ज़्यादा होगा तो माया का असर कम होगा। जी आपने बताया था कि जीव के जीवन में जो भी दुख आता है जो भी सफरिंग से आता है तो उसका रूट काज ये है कि वो कृष्ण से बहिर्मुख है, इसलिए कृष्ण से मुख। अगर कोई डिवोटी को कष्ट मिलता है तो उनका डिवोशन बढ़ जाता है, लेकिन कोई नॉन डिवोटी को कष्ट मिलता है तो उनका डिवोशन कम हो जाता है, डिवोशन बढ़ जाता है। अरे प्रभु जी जो आप बताए थे कि जो माया देवी का जो एनर्जी है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जोग माया है एंड मैटेरियल वर्ल्ड में वो महामाया है। हरे कृष्णा। प्रभु जी जब जब हम सत मार्ग से अलग होते हैं तब पनिशमेंट आज रिएक्शन मिलते हैं हमको ताकि हम वो चीज़ दोबारा ना दोहराएं और फिर से हम जो सतमार्ग है मतलब कृष्णा कॉन्शियस मार्ग है उसे स्थित हो जाए ताकि वो कष्ट दोबारा ना मिले। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो जीव दो कारण से कष्ट पाते हैं, एक तो प्रमुख कारण है भगवान से विमुख है और दूसरी कारण है वो मेटल एनर्जी को एंजॉय करना चाहते हैं इसलिए जीव कष्ट पाते। प्रभु जी जब हम भगवान के साथ रहते हैं जो कर्म फल और जो माया जो जो ये रेखा ये कुंडली सब कुछ मिट जाता है तो भक्ति बनने पर ये सब कुछ हो सकता है आपका। हाँ नहीं वो तो दिक्कत होगा 100% हो जाएगा ये बात। सारे पॉइंट बोल ही दिए मैं बस थोड़ा एक ही पॉइंट बोलूँगा। हम मार्जिनल एनर्जी हैं भगवान की मतलब बीच में हैं तो इसलिए बीच वाला आदमी ना घाट का होता ना घाट का होता है। ये प्रभु जी बोले कि हम बीच में होते हैं तो एक साइड होता है वो मतलब अंतरंग शक्ति होता है एक साइड होता है बहिरंग शक्ति,
तो हमें डिसाइड करना है कि हम किस तरफ हम जाएं, भगवान के भक्ति में जाएं या भगवान के भक्ति से दूर जाएं। तो हम बीच में हैं, इसलिए हम जहाँ चाहे हम जा सकते हैं। अगर इस साइड जाना चाहते हैं उस साइड जा सकते हैं, हमारा चॉइस है। तो इसलिए तो इसलिए हमें अच्छे से डिसाइड करना चाहिए, हम भगवान के पास जाएंगे या भगवान से दूर जाएंगे। भगवान के पास ही जाना है। हमारा आत्मा सच्चिदानंद है और शरीर असत अचित निरानंद है। एक्चुअली हमें माया देवी की इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। हाँ। क्योंकि माया देवी चाहते हैं हम कृष्ण का याद करें, लेकिन हम क्या करते हैं, उनके विरुद्ध में उनके साथ लड़ाई करते हैं। इच्छा क्या है? कृष्ण की याद करें। कार्टून इस तरह बनाए, कार्टून इस तरह बनाना अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। जय।